हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेके ब्लॉग। गाइस कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं। गाइस मैं भी बढ़िया हूँ। आज आप लोगों के लिए काफ़ी प्यारी कार लेके आया भाई। ये है स्कोडा की स्लाविया, जो भाई काफ़ी सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। आज मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ, इसके बारे में अभी अपन कम्प्लीट डिटेल में बात करेंगे पूरी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी वॉक ग्राउंड करा के दिखा देता हूँ। गाइस अभी अपन इसकी वॉक ग्राउंड करते हैं, पहले आप गाड़ी को देख लीजिए कितनी प्यारी लगती है भाई देखने के ऊपर। ये इसका फ्रंट लुक है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर। जब भी किसी को कोई ना मतलब एक रैपिड कार चाहिए होती है ना, मतलब एक तूफान जैसी कार, रॉकेट जैसी कार, तो भाई वो यही लेते हैं भाई। सबसे पहले स्कोडा की बात आती है, स्कोडा स्लाविया की भाई इतनी प्यारी कार है भाई। लोगों को स्पोर्टी कार चाहिए होती है तो वो यही लेते हैं भाई। सेडान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सेडान कहते हैं भाई इसको, काफ़ी अच्छी लगती है देखने के अंदर। आइएगा इस पूरी वॉक राउंड करा के आपको उसकी दिखाता हूँ। फ्रंट में कुछ तरीके की लगती है एंड साइड से कुछ तरीके की लगती है, देखने पर काफ़ी लंबी लगती है। एंड ऊपर की तरफ से सनरूफ भी मिल जाता है। एंड पीछे देख लीजिए, एंड रियर से भी देख लीजिए, एक मिनट गाइस मैं इसकी लाइटें चालू कर दूँ। पता नहीं इसकी लाइट कैसे बुझ गई। हाँ अब ठीक है। तो गाइज आप फीचर हाईलाइट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में इसमें एलईडी हेडलैम्प्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिनके थ्रू काफ़ी प्यारा है। एंड यहाँ पे आपको डेटा रन लाइट DRL देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपना इंडिकेटर एंड यहाँ पे आपको इसमें एक फोग लैम्प देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक लाइट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, अंधेरे सेंस करते चालू हो जाती है। एंड यहाँ पर आपको इसमें डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बीच में देख रहे हो क्रोम की डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको मस्कुलर इस ग्रिल की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। कुछ इस तरीके का लगता है सब, प्यारा सा कंप्लीट फ्रंट लुक। टॉप सेलिंग कार है भाई ये। यहाँ पर आपको स्कोडा की बेजिंग भी इस तरफ देखने को मिल जाती है। वॉरियम की बात करें, वॉरियम इलेक्ट्रिक एडजस्ट इलेक्ट्रिक फोल्ड LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ ही आता है। एंड यहाँ पे आपको इसमें डायमंड के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। टायर की बात करें तो इसमें आपको कैट वाले टायर देखने को मिलते हैं। एंड इसमें 205/50R 16 इंची का आपको इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है। आगे तो डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरी क्रोम की आपको इसमें गार्निश देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर इसमें देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से सर दोनों तरफ आता है, उस साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। शार्क फिन एंटीन आपको ऊपर तरफ देखने को मिलेगा। एंड सनरूफ आपको इस पर देखने को मिल जाती है। एंड गाइस रियर की बात करें तो रियर से कुछ तरीके की लगती है देखने पर। स्कोडा की बेजिंग मिल जाती है, चार पार्किंग सेंसर पीछे देखने को मिल जाते हैं। स्लाविया की बेजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, स्कोडा स्लाविया गाइस ये। यहाँ पर LED टेल लैंप्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एक मिनट आपको इसको जला के दिखा देता हूँ कि कैसे लगते हैं भाई ये। कुछ तरीके के लगते हैं गाइस देखने पर, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। देख लीजिए LED टेल लैंप्स इसमें आपको देखने को, ब्रेक लाइट मिल जाती है। एंड रिवर्स लाइट आपको शायद ये इंडिकेटर लाइट आपको इधर देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कैमरा भी इसमें देखने को मिल जाता है। बोट स्पेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा कितने इंची का मिलता है। एंड ये इसमें आपको स्टेपनी व्हील की बात करें तो इसमें आपको 1 इंची का स्टेपनी व्हील आपको इसमें देखने को मिलता है, 15 इंची का, यानी काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको LED लाइटें भी मिल जाती है नंबर वाली। एंड गाइस बाहर से कुछ बता दिया है ये, अब इसके डोर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है, इसमें सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन ही मिलता है। दरवाज़ा इतना वाइड खुलता है, उतरना चढ़ना बहुत ईजी है। सिलेंडर फ्रिज की यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से कांच ऊपर नीचे कर सकते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाता है, इधर भी आपको स्पीकर प्लेसमेंट, बोतल होल्डर। एंड अंदर की तरफ से गाइज अंदर से तो काफ़ी प्यारी है, मतलब गाइज क्या ही बताएं, मतलब कंफर्ट इसका बहुत ही अल्टीमेट लगा गाइज मुझे, वरना से ज़्यादा इसका अच्छा लगा मुझे। एंड इसका इंटीरियर आगे से देखो गाइज कितना लग्जरियस लगता है भाई देखने के अंदर, महंगी वाली फीलिंग आती है भाई गाड़ी के अंदर। ब्लैक एंड बेज के अंदर जो इसका इंटीरियर है काफ़ी प्यारा लगता है गाइज। यहाँ पर थाई सपोर्ट की बात करें तो बहुत अल्टीमेट थाई सपोर्ट है। एंड हेड रूम में भी कोई कमी नहीं है, नी रूम में भी कोई कमी नहीं है। तो मैक्सिमम होल्डर पीछे देखने को मिल जाते हैं, लेदर की पूरी सीटें मिलती हैं। यहाँ पर अपना सिलेंडर, यहाँ पर आपको
दो आगे सिल्वर फिनिश की डिजाइन यहाँ पर एसी पे देखने को मिल जाती है इन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। एंड यहाँ पर आपको इसमें चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड आर्मरेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर के साथ। एंड तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आइसोफैक्स सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है पूरी लेदर की एंड काफ़ी अच्छी लगती है भाई। यहाँ पर आपको फिर वही लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है, छोटी लाइट, छोटी छोटी लाइट से आपको इसमें देखने को मिलती है। अभी चल नहीं रही है शायद, वो आगे से इग्निशन बंद हो गया देखिए। एंड यहाँ पर आपको फोल्डेबल रियर विंडो मिल जाता है एंड हुक के साथ, काफ़ी सही है भाई। पीछे का कम्फर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। और पीछे आपको सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं साइड पे, काफ़ी अच्छा भाई। इसका कम्फर्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सेडान का कम्फर्ट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है भाई। फाइव स्टार कार है भाई, ग्लोबल इनकेप में इसको फाइव स्टार मिले हैं। एंड अभी अपन आगे चलते हैं। गाड़ी के अंदर सेफ्टी की बात करो, सिक्स ईयर पे गई गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे का दरवाज़ा कुछ तो वाइट खुलता है, उतरना चढ़ना बहुत इजी है। यहाँ पर आपको इसमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर डिज़ाइन देखने मिल जाती है। यहाँ से अपना दरवाज़ा खोल सकते हो, चारों पार विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अपना स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, यहाँ पर आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो। आइए अंदर ही चलते हैं। गाइस अंदर से कुछ तरीके लगता है इसका इंटीरियर। मैंने गाइस गाड़ी को चालू ही कर लेते हैं, मतलब इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। हो गया गाइस, इग्निशन ऑन हो गया इसका। इसको लाइटों को ऑफ कर दूँ इसकी। इसकी लाइटों को ऑफ कर दूँ गाइस। हाँ ठीक है, ऑफ हो गई गाइस। एंड एसी इसमें काफ़ी मतलब प्यारी सी एसी वेंट्स आपको इसमें देखने मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। एसी वेंट्स इसमें आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में देखने मिल जाते हैं। इसमें 8 इंच का आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी प्यारा है। एप्पल कारप्ले वगैरह ये सब आसानी से चला लेता है भाई। इसका जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स वो काफ़ी मुझे प्यारा लगा। एक मिनट, ये बंद है शायद, अभी चालू हो गया गाइस। एक मिनट गाइस, ये इसका इग्निशन पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। हाँ, अब जाके इसका इग्निशन ऑन हुआ है। इसकी बात करें यहाँ पे मीडिया वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये पता नहीं अभी चल क्यों नहीं रहा है। अच्छा गाइस, ये अभी इसलिए नहीं चल रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई बैटरी इसकी थोड़ी सी लो हो रही है, इसलिए नहीं चल रहा भाई। मैं इसके फीचर बताता हूँ। वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कार पर 20 में आपको आसानी से मिल जाता है, मतलब कनेक्ट फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जो हमेशा ही आते हैं नॉर्मल से, वो सब आपको इसमें देखने को मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलता है, टच वाला। वैन यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी इसमें देखने को मिलता है दो, इसमें आपको पोर्ट्स के साथ, ये अपना यूएसबी पोर्ट्स के साथ आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको लॉक का यहाँ पर देखने को मिलता है, आप चाहो तो यहाँ से गाड़ी भी अंदर से लॉक कर सकते हो। एंड एयरलेस टच का स्विच मिल जाता है। एंड आपको वेंटिलेटेड सीटों के कंट्रोल्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर। एंड ब्रेक तीन आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर आपको यह मिल जाता है अपना ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। एंड स्लाइडिंग आर्मरेस्ट इसमें आपको देखने को मिलता है लेदर का, जो काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको इसमें लाइट भी देखने को मिल जाती है, सॉरी लाइट कह रहा हूँ, चाबी इसमें आपको इसमें फ्लिप की मतलब फ्लिप की जैसी आती है, बल्कि है ही है स्मार्ट की, जबकि इसमें आपको वो मिल जाता है इंजन स्टार्ट का स्विच। आपको ये काफ़ी दो आपको इसमें स्मार्ट की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अपना ये चाहो तो आप इसको फ्लिप की से भी चला सकते हो, नहीं तो आप वैसे चला लो। ये स्मार्ट की आपको देखने को मिलती है। पीछे स्कोडा की बेजिंग सीट कम्फर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके अंदर। एंड यहाँ पे हेडलाइट का स्विच वगैरह मिल जाता है। एंड वापस से इग्निशन ऑन करते हैं इसका। एंड यहाँ पर आपको पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर के साथ ही आता है भाई। क्या इसके अंदर अभी क्या बैटरी लो हो रही है ना, इसकी वजह से चल नहीं रही है, देख लीजिए भाई। पूरा डिजिटल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ही आ जाता है। एवरेज बीच में डिजिटल स्पीड आप इसमें देख सकते हो, कितने किलोमीटर की रनिंग आप कर रहे हो वो वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। देख सकते हो यहाँ से सेटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है भाई।
देख लीजिए, काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बीच में पूरी डिजिटल स्पीड आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल आपको देखने को मिलता है, कहीं से भी एनालॉग आपको ये देखने को नहीं मिलता, काफ़ी अच्छा लगता है भाई। एंड आपको मैंने वो बता दिया, पूरा स्टेयरिंग की बात करें तो पूरा गोल्ड स्टेयरिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, लेदर रैप वाला। टिल्ट मिल जाएगा मेरे ख्याल से, इसको टेलीस्कोपिक भी आता है, ये देख लीजिए, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको इसमें देखने को मिल जाता है। स्कोडा की बेजिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पर अपना वो मिल जाता है वॉइस कमांड के कंट्रोल। यहाँ पर अपना MID कंट्रोल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, हेडलैम्प के लीवर ऊपर या नीचे भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा बता दिया। एंड एसी एंड सी जो इनकी डिज़ाइन है ना, कहीं मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ऊपर तरह यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको सनरूफ भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। मैं काफ़ी बड़ी है, मतलब एक छोटी सनरूफ होने के बाद भी काफ़ी अच्छी, मतलब वाइड लग रही है। एंड यहाँ पर आपको इसमें फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको कूल ग्लव बॉक्स इसमें देखने को मिल जाता है। सारे फीचर्स मैंने इसके हाईलाइट कर दिया, अगर कोई सी चीज़ मुझसे कोई सी भी चीज़ मुझसे छूट गई तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और इसमें आपको यहाँ पर ऑटो डिमिंग आईआर व्यू भी मिल जाता है, ऊपर लाइटें, इस साइड पर कुछ नहीं, इस साइड पर आपको कांच मिल जाता है। बाहर चलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ हाईलाइट कर दी। सो गाइस, अगर जैसे आपको इस स्कोडा के अंदर कोई सी भी गाड़ी लेनी है अजमेर के अंदर, तो मैं आपको उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ के सेल्समैन से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और गाड़ी यहाँ पे आप ले सकते हो। स्कोडा की कोई सी भी कार आपको अगर परचेस करनी है अजमेर के अंदर, मैं अभी अजमेर के अंदर हूँ भाई, अजमेर के स्कोडा के अंदर हूँ, सॉरी स्कोडा के शोरूम के अंदर हूँ अजमेर वाले। अगर आपको कोई सी भी इसमें यहाँ पर कार चाहिए ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर, आप जाके कॉन्टेक्ट करके आप गाड़ी ले सकते हो। सो गाइस, किसी लगी आपको मेरी वीडियो, मेरी कृपा अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे मिलता है अगली वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।